खबर पौड़ी से समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता और पुनर्वास कैंप स्थापित करें। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी से दिव्यांगजनों हेतु किए कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने जिला दिव्यांग पुनर्वास नोडल अधिकारी को निर्देशित किया कि लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करना सुनिश्चित करें, जिससे दिव्यांगजनों को समय पर उसका लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा, समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता और पुनर्वास कैंप स्थापित करें, जिसमें दिव्यांगजनों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं, उनको स्वरोजगार से जोड़ने और दिव्यांगजनों के अभिभावकों को दिव्यांगजनों के विकास से संबंधित सहयोग की सूचना दें। जिलाधिकारी ने आयोजित बैठक में कहा, जनपद के अंतर्गत दिव्यांगों को लगाए गए वैक्सीन, टीकाकरण और टीकाकरण से वंचित रह गए दिव्यांगों की रिपोर्ट 1 माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा बताया कि दिव्यांगजनों का UDID कार्ड हेतु 8036 आवेदनों से 4506 का पंजीकरण ऑनलाइन किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि जो पंजीकरण रह गए हैं उन्हें भी जल्द पूर्ण करें। उन्होंने 1 माह में दिए गए लक्ष्य की समीक्षा करने को कहा। उन्होंने दिव्यांगजनों से संबंधित प्रकरणों को प्रत्येक माह अनुमोदन और निस्तारण करने के निर्देश दिए। तो 6000 से कम तक को होना भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट बना के ला रहे हो बिना कोई मतलब सोचे। नहीं सर, बता रहे हो कुछ भी कहानी बता रहे। जी सर, इनमें सर ये 5000 आपका 6000 पेंशनर्स होता है। अनेक से ऊपर जो दिव्यांग होगा उसको पेंशन मिलती है सर। इसका सर दिया है सर 40 से कम भी होंगे। कम भी होंगे अलग-अलग भी मतलब एक व्यक्ति को दो बार संभव है सर। संभव ना है ना उसकी भी। तो ये नंबर तो आपका सही नहीं होगा जब तक कि आप उसको सही होना करें, डॉक्यूमेंट ना करें। और इनके यहाँ पे आपने रिपोर्ट कर दिया है 1011 से 2000 से 2022 तक के हमारे 8877 है सर रिपोर्टेड। तो ये नंबर कहाँ से आया 1011 ये कब से जमा कर रहे हो भाई? 1 साल हो गया ना आप तो। 2018 से इन्होंने बनाना शुरू किया, उससे पहले कोई सॉफ्ट कॉपी में था नहीं सर। तो आप लोग कहाँ बना के रखते हो डेटा? नहीं, हमारे पास तो सर पूरा जो है ऑफलाइन डाटा था, पूरा जो है हार्ड कॉपी में था सर। बताओ ना, 200 कर लेते हो। चलो अभी 30 दिन में कितने हो जाएंगे? 6000 एक स्टाफ हमने अपना भी दिया हुआ है इनको, ताकि ये आप दोनों जन मिले करिएगा। मुझे मतलब नहीं कि कौन कर रहा है, बट मुझे 6000 चाहिए। और जिसका 6000 नहीं आएगा उसका मैं 1 महीने के बाद दोबारा रिव्यू करना है। ये सर कृत्रिम उपकरण और अंग के लिए जो हमारे पास में आ गए हैं, जो ब्लॉक वाइज हमारे पास। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।